नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप ऑफ पेंशनर का जो केस चल रहा था, उस संबंध में कुछ क्वेरीज थी जिसका आंसर ग्रुप ऑफ पेंशनर के श्री उमेश शर्मा जी ने दिया है, मैं आपको शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, सेवरल फ्रेंड्स हैव आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस विच आई वुड एंडेवर टू आंसर। फर्स्ट, वेदर बैंक हैज सबमिटेड इट्स रिप्लाई। ए, स्टिल। आंसर, टिल सैटरडे इवनिंग नॉट सबमिटेड। क्वेश्चन टू, व्हाट्स देन आवर स्ट्रेटजी। आंसर, चांसेस आर बैंक वुड फाइल इट्स रिप्लाई ऑनलाइन ए डे बिफोर एंड सबमिट द कॉपी ऑन द डेट ऑफ हियरिंग। थर्ड, इफ नॉट देन व्हाट, वी वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू डिलीवर इट्स ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रिटन प्लीडिंग्स सबमिटेड बाई बोथ पार्टीज एंड डोंट डिले द मैटर एनी फर्दर। फोर्थ क्वेश्चन, गेट ग्रुप ऑफ पेंशनर रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट सो दैट जीओपी कैन निगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ पेंशनर। वी आर मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव सर्कल एसोसिएशन एंड कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द एफ एस बी आई पी ए। देर आर वेरी मेनी अचीवमेंट्स ऑन पार्ट ऑफ FSBIPA and don't wish to weaken it by organizing a parallel body. The recently constituted SBI Retired Officers Association is a separate body. There may be many of group of pensioner members, also its members, but not connected or an affiliate of GOP. As per my information, they would take up only welfare measures including filing of court cases and issues of interest and not to indulge in trade unions. If anyone feels need of trade unions, they are free to decide. Fifth point, any bearing of Supreme Court order on our case? Not at all. Our case is coming up on the 3rd December and we are hopeful that issue of retrospective effect would finally settle. After that, shall take up issue of the pension updation for information, Shri Umesh Sharma. उमेश शर्मा जी जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के हैं, उनका कहना है कि पहले जब रेट्रोस्पेक्टिव डेट वाला मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, दे विल टेक अप द पेंशन अपडेशन मैटर। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।